एवरीवन, आप सब कैसे हो? आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैंने ब्लूटूथ यूज़ कर रही हूँ, जैसे हमेशा हाथ से क्लिक करती हूँ ना, तो मैंने सोचा आज ये ट्राई करके देखूँ, तो अच्छे से हो रहा था। और मैं अभी बैठी थी, मैंने सोचा आप लोगों को छोटा सा मैसेज देना है। माई यूट्यूब फैमिली ज़्यादा बड़े नहीं, मेरे वीडियो हमेशा इतना ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होते माई यूट्यूब फैमिली, तो मुझे, मैं ना एल भी करती हूँ माई यूट्यूब फैमिली। आप लोगों ने मुझे, दो तीन भाई ने पूछा था, तो भाई ने भी कल मुझे, कि एक भाई ने पूछा था, उन्होंने कहा था दी आपका एल भी होता है, आपका एल भी कब होता है आप बता दीजिएगा, तभी हम लोग जा सकेंगे, कितने टाइम होते हैं, कितने और कितने कितने दिन रेगुलर करते हैं ना, या गैपिंग में करते हैं एल भी। तो माई यूट्यूब फैमिली में रेगुलर तो नहीं करती हूँ एल भी, मैं वन डे छोड़ कर एल भी करती हूँ। तो प्लीज़ अगर टाइम मिला तो आप लोग मेरे एलबी में आइएगा, एंड मोस्ट वेलकम। मैं आप लोगों को इनवाइट कर रही हूँ माय यूट्यूब फैमिली। अगर मेरा एलबी टाइम है सुबह 11 बजे, इंडिया के टाइम सुबह 11 बजे, मतलब मेरे बाहर से भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, तो वो लोगों को तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हर इंडिया में अगर सुबह है तो बाहर देश में, मतलब कंट्री में, वहाँ तो टाइम बहुत चेंज हो जाएगा। जैसे सुबह है तो वहाँ नाइट भी हो सकता है या मॉर्निंग भी हो सकता है सुबह के। इसका अगर जिसके पास टाइम है, आप मेरे एलबी में आ सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और नए नए फैमिली बना सकते हैं माई यूट्यूब फैमिली। तो ये छोटा सा मैसेज था। और आज मैंने हेयर स्टाइल किया, ये मेरे मम्मा की हेयर स्टाइल है। मेरे मम्मा मुझे ऐसा कर देते थे, हेयर स्टाइल करते थे पहले, मैं जब मैं छोटी थी तो वो मुझे, मेरे हेयर को हमेशा वही बांधते थे, मैं बांधती नहीं थी। और मुझे अभी भी, मुझे हेयर स्टाइल करना नहीं आता है। मेरी मम्मी कर देते थे ना, ऐसे बाल काट देते थे, आगे में बार भी स्टाइल काटते थे, और ऐसे बाल को ऊपर बांधना, दो चोटी बनाना स्कूल जाते समय वगैरह वगैरह, ऐसे करते थे वो। तो आज मम्मा का याद आ रहा था, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी चेंज करूँ। कैसा लगा मेरा मम्मा का हेयर स्टाइल माय यूट्यूब फैमिली? आप सभी के मम्मा ने भी ऐसे किया था होगा, छोटे में हर किसी के मम्मा लोग ऐसे होते हैं कि हेयर को बांध देना, वो करना, ये करना। और अभी तो शादी होके आई हूँ, मम्मी को बहुत मिस करती हूँ, पापा को बहुत मिस करती हूँ, घर में भाई बहन को बहुत मिस करती हूँ, बहुत दूर में है ना, दूर में है। अभी मम्मी का नाम ले रहे ना, थोड़ा सा इमोशन हो रही हूँ, पर इमोशन नहीं होना है, खुश में हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, जैसे मैं घर में रहती थी जितनी खुश थी, वैसे मेरे हबी के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ भी इतनी खुश हूँ मैं। मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करते थे, वैसे मेरे हबी भी मुझे इतने प्यार करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। वो कभी कमी नहीं करते कि मेरा मम्मी पापा का तरह। मेरा हस्बैंड ही बोलता है, जब मुझे शादी करके लाए थे ना उन्होंने, तो वो बोलता था अभी तुम मेरा, मतलब मैं तेरा अभी पेरेंट्स हूँ, गार्जियन हूँ, तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तुम मुझे सब कुछ बोलो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, ऐसा कुछ बोल उन्होंने ना, जब हम दोनों ने शादी किया था, उन्होंने ऐसा प्रोमिस किया था। अभी भी वैसे कर रहे हैं वो मुझे, मुझे हमेशा, मैं क्या खाना चाहती हूँ मुझे वही खिलाते हैं, मुझे क्या पहनना है, क्या पसंद है, मुझे वो सब कुछ करने देते हैं। और एटलीस्ट अभी YT में आके ना, मेरे रात को हमेशा मेरा 12-1 बज जाते हैं सोते सोते। और मैंने सोचा था YT आके, मैं YT में मैंने सोचा था ये ऐसे व्यूज़ आएंगे, ऐसे बढ़ेंगे, उसमें टेंशन नहीं, ऐसे वीडियो डालो वो कुछ काम नहीं होगा। पर अभी पता चल रहा है YT में आके पूरा सर दर्द हो रहा है। अगर किसी के वीडियो ना देखे तो वो लोग नहीं आते, जिसके वीडियो देखते हैं वो लोग ही आते। तो इसके लिए, तो इसलिए वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं रात को कभी कभी इतने रात तक मोबाइल देखते रहती हूँ, तो वो मुझे कुछ नहीं बोलते क्योंकि तुम अभी इतना रात हो गया, तुमको सोना है, तुम ये करना है, सुबह उठ के वो करना है, अभी तक कुछ नहीं बोला। एटलीस्ट मेरे वन एंड हाफ ईयर्स हो चुके हो गए यूट्यूब में, उन्होंने कभी भी मुझे ताना नहीं मारा है, कभी भी मुझे गाली नहीं दिया, कभी भी कुछ नहीं कहा। और मैं भी तो वैसे ही हूँ, उनको भी मैं फूल, जितना वो मुझे प्यार करते मैं भी उनको बहुत ही प्यार करती हूँ, और उनके लिए मैं सब कुछ करती हूँ। उनको क्या पसंद है क्या पसंद है, जैसे मेरे पसंद वो मुझे जैसे पसंद है वो मेरे लिए करते हैं, मैं भी उनको जिसका जैसे उनको पसंद है मैं भी उनके लिए वही करती हूँ। तो इसलिए हम दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है माई यूट्यूब फैमिली। और हर कोई बोलते हैं लव मैरिज में हमेशा झगड़ा होते हैं, वो होते हैं, ये होते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं करते हैं होता है थोड़ा सा नोकझोंक, तो थोड़ा तो होगा, हस्बैंड वाइफ है तो थोड़ा सा नोकझोंक तो होंगे ही, पर वो मुझे झगड़ा नहीं करते, मैं उनके साथ झगड़ती हूँ ज़्यादा बेचारा। मैं कभी कभी ना बहुत सोचती भी, वो बाहर चले जाते ना टूर पर, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ वहाँ जब वो नहीं होते तो अजीब सा अकेला महसूस होता है, मतलब अभी वो नहीं है, जब वो होते थे तो मैं उनके साथ झगड़ती हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, ऐसे कुछ कुछ बोलती हूँ ना, उसमें थोड़ा सा मतलब मैं मुँह फुला गया ऐसे बैठती हूँ, वो मुझे मनाते हैं ऐसे ना, तो मैं ही हूँ थोड़ा सा
झगड़ती हूँ उनके साथ, पर वो मुझे कभी झगड़ते नहीं है, कभी भी आर्ग्यू नहीं करते, कभी भी वो कुछ नहीं करते। मेरा हबी बहुत ही अच्छे है, थैंक यू सो मच। जैसे मेरे मम्मा पापा है, मेरे मामा पापा ने मुझे जैसे खुश रखा था, मुझे जैसा पहनना था, जैसा खाना था, जो करना था, घर में भी हम लोगों ने कभी भी तकलीफ नहीं देखा, हमेशा खुश से रहा मेरा पापा ने, मम्मा ने, हम लोगों को हमेशा खुश में रखा। और अभी मेरा हस्बैंड भी वैसे ही है, मुझे हमेशा खुश में रखते वो। तो इतना ही था, और मेरा LBE का टाइम है सुबह 11 बजे, आप लोग आइएगा। मेरे तरफ से आप सभी को इनवाइट है माय यूट्यूब फैमिली, अगर जिसका टाइम है आइएगा, अगर जिसका टाइम है नहीं, मुझे उसके लिए कुछ भी वो नहीं, रोक टोक नहीं। आप मेरे LBE पे नहीं आए, वो नहीं आए, मैं कहूँगी भी नहीं, आप मेरे वीडियो तो देखते हैं। ओके, देन बाय बाय, लव यू माय यूट्यूब फैमिली।